स्वागत करते हैं, वेलकम खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफारक टाइम। तो भाई साहब कंग्रेचुलेशन भाई, बहुत सारे कंग्रेचुलेशन आप सब लोगों को। खुशी हुई कि इंडिया ने जो है इंग्लैंड को भी थप्पड़ दे दिया और उसे कहा कि भाई साहब बार बार तेरी दिन नहीं होता है, कभी भी कभार हमारा भी जो है होता है। तो इंडिया ने जो है इंग्लैंड से अपना बदला ले लिया 2022 का, जो कि वो बहुत बुरी तरह शिकस्त दी थी। तो इंडिया ने भी उसी की ज़ुबान में उसी की तरह की ईंट के जवाब पत्थर से दे दिया और इंग्लैंड को जो है वन साइडेड जो है मैच हरा दिया सेमीफाइनल में, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इंडिया अब आ गया है क्या कहते हैं फाइनल में, तो देखते हैं भाई फाइनल में। साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल है तो बहुत ही अच्छा मैच हुआ और वन साइडेड हरा दिया। दोनों सेमीफाइनल अगर देखी जाए वन साइडेड हुए हैं। तो देखते हैं वीडियो, मिश्रा जी की वीडियो है जो कि इन्होंने लगान मूवी का वो भी दिया हुआ है, कुछ टच दिया हुआ है। तो देखते हैं कि सस्सी ने क्या डायलॉग्स है इस पर। तो प्ले करते हैं वीडियो को। प्ले करने से पहले हमारे चैनल अफार एक्टर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। सो प्ले करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जिन अंग्रेजों ने हमसे लगान लूटा था, जिन अंग्रेजों ने हमें 2022 के T20 वर्ल्ड कप में कूटा था, आज इंडिया ने सूत समेत उनसे दोगुना लगान वसूला। हाँ जी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच में इंडिया ने इंग्लैंड को चारों खाने चित कर दिया और कहा कि अबे बड़े आए ससुर लगान लेने वाले, तुम लगान लोगे, स्पिन तो तुम खेल नहीं पाते हो, मतलब ऐसे ऐसे नाच रहे थे जडेजा और अक्षर के सामने, हमारा बॉलर गेंद फेंकता है तुम वहां 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 छटक रहे थे, मजाक समझ रखा। अबे हो गया यार, 2022 T20 वर्ल्ड कप में हम फ्लॉप चल रहे थे लेकिन ससुरे तुम हमको हराओगे, कमाल है यार, कमाल है। इंडिया ने इंग्लैंड को जिस अंदाज में हराया है और जिस अंदाज में फाइनल में एंट्री ली है, ऐसा लगता है कि यार इंडिया ने एकदम बिल्कुल लगान मूवी को वापस जिंदा कर दिया और जिंदा कर दिया। क्या लगान 2.0 तो नहीं आ गया है, मतलब दो गुना लगान। इंडिया और इंग्लैंड के मुकाबले को लेकर तमाम क्रिकेट एनालिस्ट ये मान रहे थे कि जो ये मैच जीतेगा वो फाइनल जीतेगा, वो बेहतर टीम है, वो शानदार टीम है। इंडिया ने फिलहाल बताया कि वो कमाल की टीम है और जिस तरह से वो खेल रहे हैं अब फाइनल में हमारी ट्रॉफी तो इंडिया ने सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को ठीक ठाक फेंटा लगा कर जबरदस्त जीत थी और कहीं भी जो उसको मैच होने नहीं दिया, मजबूत टीम के तौर पर फिलहाल वापस। 2022 में इसी इंग्लैंड ने हमें सेमीफाइनल में 10 विकेट से हराया, वो बहुत पेनफुल था हमारे लिए, वो यादें बड़ी पेनफुल थी। हमने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, लोगों के कर्मा लौटते, हमारे शर्मा जी लौटे थे और हमारे शर्मा जी क्या खूब लौटे, क्या खूब लौटे। विराट का विकेट गया, पंत का विकेट गया, लेकिन शर्मा जी ने कहा भाई रुको जरा, कर्मा वर्मा पर बिलीव नहीं है, हमारा शर्मा है। कप्तान अंग्रेजों पर भारी पड़ा और फिर ऐसा भारी पड़ा, ऐसा भारी पड़ा कि फिर जो फिल्म में दिखाया गया था वो कहानी रही। इंडिया ने पूरे मैच में डोमिनेट किया, कुलदीप ने वो काम किया जो कचरा ने किया था लगान, कमाल है यार। रोहित ने वो काम किया जो आमिर खान ने किया था उस फिल्म में और जबरदस्त है, मतलब अद्भुत था, अविश्वसनीय था। अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करना, जिस तरह से टर्न आई उसका इस्तेमाल करना और जिस तरह से इंडिया ने डोमिनेट किया है, इंग्लैंड कहीं एग्जिस्ट नहीं किया। कुलदीप ने 4 ओवर में 3 विकेट निकाले, अक्षर ने 4 में 3 निकाले, बापू तो कमाल छे, बापू ने शुरुआत में ही 4 में से 3 निकाल दिए थे और वहीं मैच खत्म कर दिया था जब बटलर का विकेट निकाला था, जॉनी बेरिस्टो का विकेट निकाला था, मोइन अली का विकेट निकाला था, वहीं मैच तक मैंने भी देखा। इंडिया के गेंदबाजों ने 16.4 ओवर गेंदबाजी की जिसमें हैरानी की बात यह 11 ओवर स्पिनर के और इसी में रोहित शर्मा ने लगान का हिसाब ले लिया, कहा जी पूरा लगान वसूल करें। हालांकि रोहित ने बल्ले से भी लगान वसूला था, 39 गेंदों पर 57 रन की जो पारी थी वो अद्भुत पारी थी, लगान वसूलने वाली पारी थी और उस पारी तो चैंपियन है, इस बार तो यार होना चाहिए, इसका बहुत इंसाफी हुई है यार, कब से 99 रनों की पारी खेली थी इंग्लैंड के सामने, 57 रनों की पारी खेली थी। 37 साल की उम्र में रोहित शर्मा ने बताया कि बदला तो होता है, जबरदस्त बदला होगा और पूरा लगान बदला तो बनता भी है, लेकिन फिलहाल इंडिया खुश है, खुश है क्योंकि अंग्रेजों से भले ही हम अपना कोहिनूर वापस नहीं ला पाए लेकिन अपना गौरव, अपना गुरूर, अपना बदला जरूर ले पाए। यस, इसके लिए कई लोग जिम्मेदार हैं, सूर्य कुमार यादव जिन्होंने 36 में 47 रन बनाए, हार्दिक पांड्या जिन्होंने 13 पर 23 बनाए, रोहित शर्मा जो इतिहास पर इतिहास रचते जा रहे हैं, पहले कप्तान बन गए जिन्होंने नॉकआउट मैच में कैप्टन के तौर पर शतक लगाया, ये सारी चीजें हैं। बदला तो पूरा हो गया यार, बदला 2021 का, 2022 का, 2023 का, सबका बदला पूरा। 2022
सब का बदला लेगा तेरा रोहित, 21 का 22 का सबका बदला लेगा। ऑस्ट्रेलिया ने हराया, इन सब का हिसाब पूरा, लेकिन इंग्लैंड के सामने जो ये लगान था ये इंडिया का मोराल बढ़ा कर जाएगा कि हम यार पाकिस्तान को हरा कर आए, हम ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आए, हम इंग्लैंड को हरा कर आए और फाइनल में हम साउथ अफ्रीका को हरा कर, लगान वसूल, पूरा पैसा वसूल, कमाल यार इंडिया की टीम यार बल्ले बल्ले है, मतलब ऐसे सोच कि हम एक मैच में और ये फॉर्म कंटिन्यू करें और जो इस बार 68 रन से दोगुना लगान हमने वसूल है, इसे अगले भी मैच में साउथ अफ्रीका से वसूल, साउथ अफ्रीका के सामने बस ओवर कॉन्फिडेंट ना हो बाकी तो यस ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने चाहिए बिल्कुल। तो ये थी वीडियो। अच्छा लास्ट वाली बात मुझे बहुत ही पसंद आई, क्रिकेट है कैसी एक ऐसा गेम है जिसमें ओवर कॉन्फिडेंस वाला जो होता है ना वो बहुत ही क्योंकि आपका एक बात बहुत ही फेमस है कि अगर आप क्रिकेट को इज्जत दोगे तो क्रिकेट आपको इज्जत देगा, मतलब आप वो करोगे ना फिर जीत जा सकते हो, लेकिन कुछ लोग जो ओवर कॉन्फिडेंस पे बहुत जाते हैं। मैं तो अपनी ही टीम के बारे में ये कहूँगा, शायद उन्होंने बांग्लादेश को जब हराया तो शायद हमारी टीम ओवर कॉन्फिडेंस में भी थी शायद, हालांकि पिच था, पिच पता नहीं कैसे थे, लेकिन वो लोग जल्दी आउट हो गए। तो भाई साहब इंडिया ने जो है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इन दोनों को जो है सूद समेत उसका जो है सब कुछ वापस कर दिया है कि ये लो आइंदा ये गलती मत करना कि जो है किसी को कमज़ोर समझो या ये हो या वो हो। तो ऑस्ट्रेलिया को भी जो है आखिर ऑस्ट्रेलिया को तो और भी टपकाएंगे, ऐसे नहीं है, ऐसे जल्दी ऐसे थोड़ी माफ़ करेंगे भाई, ऐसा नहीं है, आगे देखना चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और वर्ल्ड कप्स आएंगे, मुझे ऐसा ही लगता है कि अब ये ऑस्ट्रेलिया का रूप दबदबा ख़त्म होने वाला है। और इंग्लैंड ने जो पिछली बार जो है गलती की थी बहुत ही वन साइडेड हराया था, एक दो तो आउट होना था लेकिन नहीं आउट हो गए वो लोग, उसका भी जो है बदला ले लिया। तो बहुत ही अच्छा इंडिया जा रहा है, बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रही है अगर देखी जाए, लेकिन दूसरी साइड पर जो टीम निकल आई है साउथ अफ्रीका वो भी कोई कमज़ोर टीम नहीं है अगर देखी जाए, उनके पास भी अच्छे, उनकी बॉलिंग यार मुझे बहुत ही पसंद है, बैटिंग तो खैर एक दो अच्छे प्लेयर है, एक मरकरम है, डिकुक है और एक लासन है, ये खतरनाक है, लेकिन उसके अलावा बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई टिक पाएगा विकेट पे। उसकी बॉलिंग जो है बहुत ही खतरनाक बॉलिंग है साउथ अफ्रीका की, भाई क्या क्या कितने लंबे लंबे बॉलर पता नहीं कहाँ से लाए। तो मैच बहुत ही अच्छा मैच होना क्योंकि दोनों जो है कोई मैच नहीं हारा है अभी तक और एक दूसरे से जो है अब आमने सामने आ रहा है। लेकिन जहाँ तक रोहित शर्मा और इंडियन प्लेयरों की बात की जाए खासकर स्पिनर्स की, हाय 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 क्या बॉलिंग करते हैं भाई स्पिनर्स, ये मुझे बहुत ही बहुत पसंद है उसका एक्शन और उसकी बॉलिंग। कुलदीप यादव बहुत ही अजीब तरह की बॉलिंग करता है, यू यू करके आके फेंक देता है भाई, बैट्समैन को बिल्कुल समझ नहीं आता है। तो अच्छा मैच हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ कि इंडिया जीत गए क्योंकि डिजर्व भी करता था इंडिया, इंग्लैंड तो फिर भी इधर उधर होके सेमीफाइनल तक आ गए लेकिन इंडिया ने एक मैच भी नहीं हारा, मेहनत की लड़कों ने, तो डिजर्व करता है इंडियन टीम फाइनल खेलने में। तो साउथ अफ्रीका भी अच्छा टीम है, नहीं बोलना चाहिए फिर मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि उसके पास बहुत ही अच्छी बॉलिंग अटैक है। तो बहुत ही अच्छा फाइनल होने वाला है, गजब का फाइनल, क्योंकि दोनों एक दूसरे से दोनों बराबरी में आ रहे हैं ना, ना वो हारा है ना ये हारा है और अब इन दोनों का मुकाबला होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया जीत जाए 14-15 साल बाद, मेरे ख्याल में ये सही है 12-13 साल बाद मेरे ख्याल में फाइनल जीतेंगे। कब जीता था इंडिया, तो एक तो 2007 में जीता था, 14 साल हो गए ना, नहीं 14 साल किधर हो गए भाई, 17 साल हो गए। तो ऐसा ही है T20 वर्ल्ड कप धोनी ने जितवाया था मेरे ख्याल में। तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया जीत जाए भाई, लेकिन फिर भी क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, गेम है क्योंकि गेम है कुछ पता नहीं चलता है, फिर क्रिकेट आपको तो पता है एक एक बार का गेम है भाई, एक बाल पे इधर एक बाल पे उधर। तो फाइनल में फिर देखेंगे, देखता है कौन जीता है कौन हारता है। अच्छा मैच हुआ, तो एक बार फिर कंग्रेचुलेशन सब इंडियंस को हमारी तरफ से भाई, फूल पैक दिए तुम लोगों पे, ये देखो। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब वॉर चैनल अफमान एक्टर्स और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। सो अभी कल इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।